कमा पा रहे हैं क्या अपनी खेती कि सिर्फ आप परेशानियों में ही उसी दलदल नहीं पा रहे हैं? तो ये परिस्थितियां हैं यहाँ की। यहाँ आदिवासी भाई बहन बहुत है मेरे, आपको मालूम होगा कि यूपीए के समय में तड़ोबा को फॉरेस्ट रिजर्व से के माइनिंग से बचाया था, प्रस्ताव को नकार दिया था। 2020 में मोदी जी की सरकार ने 41 कोल ब्लॉक की प्रक्रिया शुरू की। महाविकास आघाड़ी ने इसको रुकवाया, लेकिन आज इन चीजों की कहीं रोक नहीं है। जो आपकी जमीनें हैं ये दी जा रही हैं माइनिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आपसे छीनी जा रही हैं। बड़े बड़े उद्योगों की चीज जैसे उद्योगपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं, लेकिन आपको जो सुरक्षित रखती हैं उन नीतियों को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस का वनाधिकार कानून था, आदिवासियों को जंगल जल जमीन पे हक दिया था, और ये हक कोई आसान नहीं था, ये परंपरा है, पुराना हक है आपका। और मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि जो आदिवासी भाई बहन हैं इनकी जो परंपरा है ये सर्वोपरि है। उस समय लोग इस बात की गहराई को समझते नहीं थे, आज पूरे विश्व में लोग कहते हैं कि पानी, कि धरती, हमारे पहाड़, हमारे जंगल, इनका आदर करना चाहिए, इनको बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती है। आज पूरी है आपकी क्या परंपराएं हैं, आप किस तरह से जीवन जीते हैं, जल जंग जमीन का आदर। उस समय इंदिरा जी समझ गई थी, इसीलिए उनका जो नाता है आपसे वो एक बहुत गहरा पुराना नाता था, और उसी समझ पर ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां बनी। आपको ऐसा कानून भी बना आपको सुरक्षित, आपके हक को सुरक्षित रखने के लिए। आज ये सारे कमजोर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र आदिवासियों ने FRA के क्लेम लगाए हैं, 2 लाख क्लेम इसमें से रिजेक्ट हो गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। पूरे देश में 22 लाख आदिवासियों की जमीन पे क्लेम है वो नकार दी गई है। तो आपका जमीन पे जो आपका हक है वो कमजोर किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे उस सिकल सेल अनीमिया जो है उसकी वजह से काफी परेशानियां हैं आपकी। महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा मरीज और ज्यादातर आदिवासी समुदाय के हैं, 4,000 मरीज अकेले गढ़चिरौली के हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी उनके मंत्री जी करते हैं आपके सामने, ये सिर्फ बातें ही रह गई। स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने देखा और बहुत दुख हुआ इसे देख के कि मेरे एक आदिवासी भाई अपने बेटे की लाश को 15 किलोमीटर हाथों में लेके चले। अब आप सोचिए बहने, हम सब माँ हैं, सबके बच्चे, आप सोचिए कि किसी पे की ऐसी परिस्थिति बन गई, इतनी मुश्किलें लद गई उन पर कि उनकी ये परिस्थिति